सब भी घास है यार, और काट काट के कमर पटे गया ही। ये जाम और बिजनेस, ये बिजनेस भी ठप हो गया ही बर्दा। आज भी नहीं दिनों जा आज जय निर्भर नहीं हो आज सुबह भी नहीं हो इंद्रजीत दिन आज टीचर ही दिनी है आज टीचर जरूर टीचर दिन ले आया कम सब और टीचर बचाओ मुख भी नहीं धोया। हेलो गाइस, दिस सैड आशो अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो माफ करें ना बिंडी दिन और वाडन चम्मे ब्लॉग, लेकिन मैं गई चाहे दिल्ली ऑफिस का काम से और वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल, मतलब बिल्कुल भी नहीं, इतना काम ही चाहिए और बाकी अपर भी थोड़ा पर्सनल काम चाहिए। तो फिर वापस आई गई मैं गाँव और गाँव में यूँ चाहे घास और तुम जब पता बोल के बर्फ हवाई तो वहाँ नुकसान हो गया हमारे जो गाँव घास वाले बिजनेस मैन थे जो हमारे महिला शक्ति। आज उन पूछ दो चाह कि कितना क्या नुकसान हुआ उनको और के चाहूँ, मतलब लुक हम बटे बहन ली रहे लो मतलब घास उन के लिए मतलब यह घास बहुत बिकुद और बिंडी जगह लोग आंदा घास लेना को तो पूछ दो छा फिर थे कि और पूरा ब्लॉग देखे ना जो चैनल में भी पहल बार तो सब्सक्राइब कर दिए भाई, सब्सक्राइबर बटन वाले रेड कलर का वहाँ वो तो प्रेस कर देना, तो बेल आइकन भी वाला वो तो प्रेस कर देना जहाँ से कि जब मैं वीडियो डालो आप सीधा नोटिफिकेशन आ जाए और आप सीधा ब्लॉग देख लो। लेकिन मैं यार क्या होना चाहिए ना मतलब 70% मेरे जो क्राउड से मतलब जो सब्सक्राइब नहीं करी चैनल वो लोग ज़्यादा दिखता, तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। चलो छा फिर मिलान छा मैं पर एक घास व्यापारी से। तो सबसे पहले घास व्यापारी छे जो मैं माच जो सबसे ज्यादा घास बिकान दी हां तो मैं माते पूछ दे छे के नुकसान हुआ उन थे माता श्री तो ई न का तो घास बिकाना प्लानिंग चार का तो घास ब्याची और के नुकसान हुआ बर का वजह से या कुछ भी नहीं हुआ घास ही बेरी बर का वजह से ही सब भी घास है यार और काट काट के कमर पटे गया ही। ये जाम और बिजनेस ये बिजनेस भी ठप हो गया ही बेरदा। अच्छा सब भी घास कह रहा है 4-5 हजार घास भी करना चाहिए बेरी 1 हजार घास भी नहीं जो 120 रुपए बिटी बिकान जाए वो 100 रुपए में भी नहीं बिकनी चाहिए सब सड़ गया बिल्कुल खत्म हो गया घास। अदमी सुनते हैं बहन भी लेनी चाहिए मम्मी हाँ बहन लेनी चाहिए यार 5 हजार बयान बयान तो ली जा पर कब बटन भूलो जाना पिछले साल बटन भूलो जाए। अच्छा लोगों जो पिछले साल ग्लास लीक वे लीक चाहिए वो मतलब बोलियो चाहिए साल में हमको घास रखें अगले साल में हम होनो का 10 का 15 का 5 डिजाम बयान बोलियो जाऊं बिड़गा हूं। अच्छा एक एक 10 बिटी भी नहीं बिकने है सब खत्म है इन दवे में सुन घास कंपनी भी चाहिए घास कंपनी ज्यादा कन का बड़न दी ना सब घास खत्म है गया। अच्छा कुछ नहीं अब हमर बस अब पूर्ण अपने अपने जाम प्याज बिजाड़ बिकाला लोग जाऊं छक्का बिजाड़ बुती जा कोई 2 हजार बिका कोई 4 हजार बिजाड़ कोई 5 हजार बिका हमारे तो 1 हजार मुश्किल से भी। चल मैं बाकी लोगों से पूछ दूं कत कत बिकी छे हमारा तो खत्म हो गया घास। अच्छा तो मैं माग बिंडी नुकसान हो गया इन दब घास में तो अब चार ताल चल रहा हूं और दो कह रहे जो खराब घास हुई चो तो वो भी दिन पड़ना चाहिए लोगों से वह नहीं ले जाओ। तो दादी हमारे दादी तो नुकसान हो गया भिंडी कद हुआ घास नुकसान है क्या क्या बटे बजन ली जा तुम्हारे दादी बताओ तो सही दादी आप आज बात करना मोड़ हम नीचे दादी बिल्कुल तैयार नहीं होनी चाहिए आज अब आ गया हम दूसरे दादी घर जो टीचर दादी से हमारे माथी वेल देते बनाने दिनी से दादी पूछ ले कि दादी कतरा नुकसान भाई घास है कौन से आज प्रणाम बुढ़ी नमस्ते दादी आज बाहर में जरा पूछ रहा हूँ घास नुकसान हो गया इंदर बल बरकन दादी बुनी खबेज बड़े आ जा बोला हम घास काट कर करने अब बुढ़ी थे पूछ ला भी पहला भी दादी बाहर से आओ तो दादी बाहर तक नीचे तब बुढ़े तब पूछता पहले कि घास का तो कतो नुकसान हो आई दवा बुढ़ी बुढ़ी नमस्ते पहले मुझे देखो बुढ़ी ये ले हूं मिर्च मर्च और क्या चु और क्या चु बुढ़ी मोट आई 3 मा आवे छे ना आपको ये पैसा नहीं देणो अच्छा आई मार से बिकाने मैंने आज बने खा बुढ़े तो किरायेदार पैसे नहीं देणा सिंपल मार से बिकाने छे बुढ़े अब बुढ़ी इंदे पर घास में नुकसान हो गया आज घास में नुकसान बिजा हो गया मेरे घर बा नहीं जा मैं गोरम जाई रे अच्छा गोरम आ घास का कौन करना छे तुम तब आसो करा हूं अच्छा अच्छा चाचू रुक ना हां आ तो चाचू आयो मेन मकान आ 3 पे घास नुकसान बरकन बिंडी हो गई बिंडी हो गया हमार तो कोड़ पे नो जा मुंगराड़ी पहुंच
बड़ी मुश्किल बैर नुकसान हो गया बोल तो दादी पूछ दे के नुकसान हुआ उनको घास बर्फ वजह से तो दादी चमर जो हमारे टीचर मैडम च तो दादी के नुकसान हुआ घास सकता बरकर नुकसान हो गया बेटा 2,000 से ज्यादा अच्छा तो कितने दिन तक लगी रहा बरकर छुट्टी भी लेनी चाहिए छुट्टी भी ली जाए छुट्टी भी वेस्ट होगी ना तब सरक ते बल तुम गाल देना चाहे बल्कि कनकांड लगी नहीं सरक में सरक ते गाल देना चाहिए अब ते गाल देना हम थक लग गया हम ते घर कुछ भी आता रहता है रूम पहले एक टाइम पर बड़ा आरती ने टाइम सर पुंगड़ी पुड़िया रहा है फिर तब वो घास फिर घामा दो चार दिन बाद फिर फुआल चा अब फिर बांध चा अब फिर तब बिकाना चा तो कोई ले जानो कोई नहीं जानो ये घास है अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई बंदो देख लिया अच्छा किरायेदार जो तुम तीन कमरों भाई तीन मकानों किरायेदार मकान मालिक सच बोली दी आप जयनर बन दी मजा करनी चाहिए ज्यादा सीरियसली लेना और आ जाए डब्बो डॉन आ गया हमारे कैमरा मैन और हम जाना चाहे ताल दादी पास दादी जी सबसे ज्यादा हमारे जो बिजनेस मैन जो घास जो इन आप कस्टमर थे लेकर ना बिल्कुल गाँव वालों घास बिकाना होना अब चलता चाहे दादी दगड़ा दे पूछता कि दादी ही पतवाल मेन नुकसान खतना हो ज्यादा घास अब है गया हमारे दादी जो सबसे मेन बिजनेस मैन जो पंचल गाँव में घास है कारोबारी है जो इन आप लोगों से लेकर ना बिल्कुल घास खरीदना को दादी कक्का कपड़े लाओ तुम्हें तब भिंडी जगह बटे बुलाना चाहिए दिन में माग भी घास भी खाया अभी ब्याले अरे बेटा का सिन घास है कोई नहीं लेना सिन साल से घास सड़ गया अच्छा सड़ गई हां कितने दिन तक लगी ना बरका तो बरका तो 3-4 दिन तक रह गया लगातार बरका तो 3-4 दिन तक बरका लगी रहा घास नुकसान हो गया हां बहुत ज्यादा नुकसान हो गया नहीं तो बीच में तो गांव लोगों तो बस घास ही 24 घंटा घास ही करना है सुबह चल जाना पुंगड़ गांव मान दिया फिर जब गांव से जानो तब जाना चाहिए कि टाइम बनाना चाहिए 3 टाइम खाना चाहिए हां घास ही तो क्या और कुछ नहीं था घास ही था वो भी नहीं रही अच्छा सब घास सड़ गया कितने नुकसान भाई बहुत नुकसान हो गया अच्छा घास सड़ी घास देखना भी कोई नहीं जानो तो बरकन पिंड नुकसान हो गया बहुत ज्यादा नुकसान हो गया देखो देर होनी चाहिए है हां अब जर में धाड़ के ना है और लगाना है एक पोड़म धाड़ कर के गयो और फिर घास अच्छा घास काटना भी जाना भी अच्छा घास काटना को भी जाना भी दीप मोड़ा निपटाई ना और फिर एक मल्लू लगाना और फिर घास काटना को ना घास बिगाड़ना को भी जाना आज भी आछन घास लेने वाला ना नहीं आछन आज नहीं आछन घास लेने वाला घास तेरी मां भी कांदा अच्छा अब है गया अमूल खाल दादी और पूछदा कि क्या क्या नुकसान होता है घास काट कर दादी इतना बुढ़ी हो गया पर भी अभी भी घास मतलब पूड़ों में झाड़ी रहन घास काटना कौन है दादी इतना बुढ़ी भी हो गया हमारे पर दादी बिल्कुल घास पूड़ा काटने छोड़नी चाह पर अरे इन दवा बोल नुकसान हो गया अरे देखो ना दादी देखो ये लहसन क्यारी बीच लगी
जद लाशन वाशन चेनी वेले तो दादी पहुंच जाना सुंगुर पले आछन दादी आते हो दो या आते डेली अच्छा दी सुंगुर डेली आंदे ना जन्नी वेजाल फिर खानो कोने दादी बताओ कितना नुकसान हुआ था इन दबे घास का घास काट सा बेटा चार बड़े काट से ही वो सब इससे गया बेकार बिके लगा हुए थे अरे इन दबे तब नुकसान हो गया है घास का बर करना दादी ना बैठी चमर बुढ़ी दादी दादी गांव सीखना चाहते दादी अरे दादी की तबीयत खराब हो रही है हमारी पहले पहले कम बैठे रहना चाहते दादी अब सर्दी टाइम आ गया तब ताल बैठ गया दादी तो कोई ना कोई चीज हेल्प कराने को ना दादी हमारे बिल्कुल बिजी चे दादी बिल्कुल टाइम नहीं है बोला घास वास कटन से अलावा और अब देखो झाड़ लगान वगैरह आज गोर पान बीच दादी बुरी बल मोदी जी भूली चावल में बल है जन मोदी जी में टाइम नहीं बिल्कुल में भी नहीं है टाइम प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री दादी सबसे ज्यादा घास बिकान चावल पंचल में दादी मैं माँ बिकान जा सबसे ज्यादा घास अच्छा दादी देखो ड्यूटी भी कर दे घास भी बिल्कुल है तो गाँव में तो बुना चाहिए दादी बिचान बोले घास ज्यादा बोले अच्छा गोरम अच्छा आज स्कूल छुट्टी चाहे अच्छा अब तक का तो नुकसान हुआ ही नहीं था आप तक नुकसान 2000 नुकसान लगे बस 2000 की बात बस नुकसान है बयान भी लीजा कैम बट है अच्छा जो सड़ी घास है फ्री में दे दिया अच्छा चलो ठीक है दादी जा रही है गोरम आप भी दिखा जाओ देखो दब हमार कितना बिल्कुल है देखो इतना टैलेंटेड से सब काम कर दो अब देखो यार बिल्कुल हेल्प लगाना चाहिए है ये देखो डबे लगे डबो तब कह दिन चले फिर कुंड कह दिन चले फिर कुंड चलो बस अब देखे हेल लगा दबे तब क्या और के गर्म रहने एक मिनट डब बैंड करन पे गई डबो सही है डबो का सीख तू तो हेल लगाना बस अजोल जोल लगाते भैया इन तो तुम्हें वो तो चार में लगाते अच्छा यूं मैं लगता जोल है तो आई होप आप थे अच्छे लगो व्लॉग और जो चैनल हम पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करना ना भूलें रेड कलर जो बटन है वहाँ में क्लिक कर दें और अच्छे लगो तो कमेंट भी जरूर करें यहाँ में बाकी मिलता छाफिर अगिल ब्लॉग में और कुछ बढ़िया से अभी बहुत बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आने वाला थे ना तो बने रहें चैनल हम फिर